सो गाइज़, आप देख सकते हो हमारा नीमो जो है ये काफ़ी बीमार हो चुका है और इसे अभी ट्रीटमेंट की सख्त ज़रूरत है। सो, आज इसके ट्रीटमेंट के बारे में ही हम बात करने वाले हैं। सो, मेरा नाम है अमान और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल आसमान एक्वेंचर। सो, अगर गाइज आप चैनल पे नए हो और इस तरीके के कंटेंट आपको अच्छे लगते हैं तो आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि फिश से रिलेटेड मैं काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो इस चैनल पर अपडेट करते रहता हूँ। सो, फिलहाल जैसे कि आप देख रहे हो, अगर आपने पहले देखा होगा तो हमारा नीमो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल था, बहुत अच्छा कलर है इसका, मतलब एकदम रेड भी नहीं लेकिन डार्क पिंक टाइप कलर है। बट अभी आप देख सकते हो कि उसकी तबीयत ख़राब होने की वजह से पूरा कलर फेड हो चुका है, हाफ बॉडी ब्लैक हो गई है। और आप देख सकते हो वो हमें साइंस भी बता रहा है कि उसका जो एक्वेरियम है उसमें पैरासाइट्स की वजह से उसे प्रॉब्लम हो रही है। आप देख सकते हो फिन्स कैसे पूरे दबा रहा है, अपना बॉडी यहाँ वहाँ मतलब स्क्रैच कर रहा है, शेक कर रहा है, तो ये सारी चीज़ों से हमें पता चल जाता है कि उसे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ज़रूर हो रही है। हालांकि आप फिर भी देख सकते हो वो रिस्पॉन्ड कर रहा है मेरे सामने आने पे, बट स्टिल वो बहुत ज़्यादा तकलीफ में है, ये चीज़ तो उसे देख के ही समझ में आती है। आप उसका हेड भी देखो, श्रिंक हो गया है। सो, अभी इसको ट्रीटमेंट करने के लिए क्या हमें करना होगा मैं वो आपको बताता हूँ। सो गाइज, नॉर्मल जो मेडिसिन अवेलेबल है मेडिकल स्टोर में भी अवेलेबल है, या तो फिर फिश के लिए भी काफ़ी सारे स्पेशलाइज्ड मेडिसिन ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है, काफ़ी अच्छे ब्रांड के और काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव भी है। बट मैं सारे मेडिसिन को एक सेकेंडरी रखता हूँ, जितना हो सके उसको विदाउट मेडिकेशन हम ठीक कर सके मैं उसी में ज़्यादा बिलीव करता हूँ। सो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से मैंने इसे ठीक किया है। सो, ट्रीटमेंट के लिए सबसे पहला मेजर जो है वो है वाटर चेंज। अगर आप 80% वाटर चेंज कर सकते हो, आपके पास अगर समझ लीजिए स्टोर्ड वाटर अवेलेबल है, सो, बहुत अच्छा रहेगा, 80-90% कर लीजिए। अगर उतना नहीं कर सकते हो सो, कम से कम 50% से तो ज़्यादा ही कीजिए। सो, मैंने भी वैसे ही किया है, लगभग 60% के करीब मैंने वाटर पहले इसमें से निकाल लिया है। वाटर निकालने के टाइम भी आप फिश को देखो कैसा साइड में वो बैठा हुआ है, हालांकि उसके सामने अगर कोई भी जाए तो वो पूरा टाइम यहाँ से वहाँ उनके पीछे भागता ही रहता है। और अपने फिश को इस तरीके से देख के काफ़ी बुरा लगता है, क्योंकि आप जब एक फिश हॉबी में रहते हो सो, फिश को जो देखने की खुशी रहती है वो एक अलग रहती है। सो, जब आपके फिशेज हेल्दी है जाहिर सी बात है तभी आपको वो खुशी मिल पाएगी, अगर वो अनहेल्दी है तो आप खुद डिप्रेस्ड या फिर स्ट्रेस्ड हो जाओगे कि मैं इसे किस तरीके से ठीक करूँ। सो, जैसे मैंने बताया, देखिए मैंने टब्स में वाटर तो निकाल लिया है, और दूसरा स्टेप जो है उसमें आपको जो स्पॉन्जेस है उसको अच्छे से क्लीन करना है। सो, आप देखिए मैंने स्पॉन्ज निकाल के वही एक्वेरियम के वाटर में ही मैं उसे क्लीन कर रहा हूँ फिलहाल। सो, इसको क्लीन करने का मेन रीज़न ये होता है कि इसके अंदर भले बेनिफिशियल बैक्टीरियाज रहते हैं बट उसके साथ साथ आप देख सकते हो कि जो उसका वेस्ट है वो भी बहुत ज़्यादा जाके उसमें जमा हो गया है। सो, एक्वेरियम में जितना ज़्यादा वेस्ट रहेगा जाहिर सी बात है उतना वो अमोनिया को स्पाइक करेगा, जिस वजह से बैक्टीरियल इन्फेक्शन फिशेज को होना तो बहुत आम सी बात है। सो, इसीलिए हमें टाइमली अपने एक्वेरियम का जो स्पॉन्ज है उसे भी अच्छे से क्लीन करना चाहिए, ग्लासेस को भी अच्छे से स्क्रब करना चाहिए। ये चीज़ आप नॉर्मल रूटीन में भी कर सकते हो, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है उसे मेंटेन करने के लिए। सो, जैसे आपने देखा मैंने सेम एक्वेरियम के वाटर में ही उसे क्लीन कर लिया। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो बेस्ट मेडिसिन है आज तक मेरे लिए फ्लावर ऑन कामफास के लिए सबसे अच्छा वर्क करता है वो यही मेडिसिन है जो आप सभी के घर में होता है। सो, वो है रॉक सॉल्ट। सो, गाइज, ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। अगर आप फिश कीपिंग करते हो तो आप हमेशा रॉक सॉल्ट का स्टॉक अपने पास रखिए, क्योंकि इससे काफ़ी हद तक आपके फिश ठीक हो जाते हैं। या तो फिर आप अगर कोई दूसरा मेडिकेशन भी देते हो उसके अंदर भी आप इसको यूज़ कर सकते हो, ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। सो, अभी आप देख सकते हो ये 3 फीट बाय 1 फीट बाय 1.5 फीट का एक्वेरियम है जिसके अंदर मैंने 2 हैंडफुल रॉक सॉल्ट ऐड कर दिया है। जब ये वेरी फर्स्ट टाइम बीमार हुआ था तभी मैंने बहुत सारे मेडिसिन भी ट्राई किए थे बट अनफॉर्चुनेटली कोई भी मेडिसिन उस पर वर्क नहीं कर रहा था, और उस टाइम मैं खुद बहुत डिप्रेस्ड हो गया था कि मैं क्या करूँ। तभी मैंने उसे जब ये सॉल्ट बाद दिया था, मतलब रॉक सॉल्ट डाल के जब मैंने रखा था, सो, उसमें थोड़ा थोड़ा मुझे डिफरेंस दिखने लगा। तो उसके बाद से मैंने ये चीज़ को फॉलो करना स्टार्ट किया, और ये जब भी बीमार होता है मोस्ट ऑफ द टाइम मैं इसको रॉक सॉल्ट से ही ठीक करता हूँ। सो, अभी एक्वेरियम में हमने पानी भी ऐड कर दिया है। सो, फिलहाल तो उसका कंडीशन वैसा ही रहेगा, मैं आपको अभी एक दिन के बाद का अपडेट दिखाता हूँ कि वो कैसा लग रहा है एक दिन बाद।
सो देखिए गाइस, ये एक दिन पूरे हो चुके हैं, अभी आप देख सकते हो उसका कलर दोबारा आ गया है, लेकिन इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं है। सो इसीलिए मैंने ये किया है कि मैंने इसमें अभी हीटर भी लगा दिया है। पहले मैंने हीटर नहीं रखा था, अननेसेसरी मैं हीटर नहीं देता हूँ फिशेस को, अगर रिक्वायर्ड है तो ही मैं हीटर यूज़ करता हूँ। यहाँ पर यूज़ करने का मेन रीज़न ये है क्योंकि इस रूम में एसी भी चलता है, जिस वजह से जो टेम्परेचर है वो थोड़ा सा डाउन जाता है पानी का। सो जब आपके फिश बीमार है उस केस में तो हीटर रखना एक मैंडेटरी टाइप हो जाता है, क्योंकि वो ठंडे पानी से जल्दी क्योर नहीं हो पाएंगे। सो आप देखिए अभी भी ये जाके कॉर्नर पे बैठ रहा है, अभी मैं इसके नेक्स्ट डे का आपको वीडियो दिखाता हूँ हीटर लगाने के बाद का। सो आप देखिए ये थर्ड डे है जब से हमने उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया है तब से, हालांकि बाद में मैंने वाटर चेंज नहीं किया था, मुझे ऐसा लगा था कि अगर रिक्वायर्ड होगा तो करूँगा। सो गाइस अगर आपके फिश में आपको एक दिन के बाद भी रिस्पॉन्स नहीं दिख रहा है तो उस केस में आप दोबारा से 50% वाटर चेंज करके वापस से रॉक सॉल्ट ऐड कर सकते हो न्यू वाटर ऐड करके, बट मैंने यहाँ पर ऐसा नहीं किया है क्योंकि मुझे सेकेंड डे पे ही प्रोग्रेस नज़र आ गया था। सो यहाँ पे मैंने जो ट्रीटमेंट यूज़ किया है इसमें मैंने कोई एक्स्ट्रा मेडिसिन नहीं डाला है, ना ही पोटेशियम यूज़ किया है, बस मैंने रॉक सॉल्ट से ही इसको ट्रीट किया है, और काफ़ी सारे एक्सटर्नल जो पैरासाइट्स है उसके लिए बहुत अच्छा काम करता है रॉक सॉल्ट, स्पेशली फ्लावर ऑन के केसेस में। और अगर आपके फ्लावर ऑन को क्लाउडी आई हो गया है या फिर फंगस हो गया है, वाइट स्पॉट हो गया, ये सारी चीज़ों के लिए कोई फैंसी मेडिसिन लेने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप उसको रॉक सॉल्ट, क्लीन वाटर और हीटर से ही ठीक कर सकते हो। रिजल्ट आपके सामने ही है गाइस, ये 3 दिन का कंटिन्यूसली मैंने उसका प्रोग्रेस वीडियो लिया है और आपके साथ शेयर किया है। अभी तक ये पूरी तरीके से क्योर तो नहीं हुआ है आप देख सकते हो, लेकिन काफ़ी हद तक मैं 85% बोल सकता हूँ कि क्योर हो गया। अभी उसका हेड भी नॉर्मल होना बाकी है, काफ़ी सारी चीज़ें बाकी है, बट आई एम 100% श्योर वो अच्छे से क्योर हो जाएगा, फीड भी लेना उसने स्टार्ट कर दिया है। सो गाइस इस वीडियो में मैं आपको यही अपडेट देना चाह रहा था हमारे नीमो के बारे में। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और जैसे मैंने बताया चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और अगर आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर पूछ सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस एंड हैप्पी फिशिंग।